घर में बजने वाले साउंड पर लगेगा जुर्माना। छाता की बासठ गांव में डीजे पर लगी पाबंदी को लेकर छाता तहसील में 3 अप्रैल को सभी डीजे व साउंड वालों की बैठक हुई। बैठक में सभी डीजे व साउंड वालों ने मिलकर एक यूनियन बनाई, जिस यूनियन में हिस्सा लेने वाले डीजे व साउंड वाले 250 की संख्या में पहुंचे। छाता तहसील में होडल, पलवल, कुसीकला, छाता, शेरगढ़, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, पैगांव, गोवर्धन, अन्य डीजे साउंड वालों ने छाता तहसील में पहुंचकर एक यूनियन बनाई। यूनियन बनने के बाद फैसला लिया गया कि छाता तहसील के 62 गांव में अगर डीजे नहीं बचेगा तो साउंड भी नहीं बचेगा। डीजे वालों के साथ साउंड वालों ने भी अपना साउंड किसी भी प्रोग्राम में देने के लिए मना कर दिया। आगे से साउंड सिस्टम, जागरण, भागवत, चुनाव प्रचार आदि में माइक तक देने पर यूनियन ने पाबंदी लगाई है। अगर कोई भी साउंड वाला छाता तहसील में 62 गांव में साउंड देगा तो उसका साउंड यूनियन की तरफ से जब्त कर लिया जाएगा और उस साउंड वाले पर 21,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी, पहले अपने परिचय दें। मैं शर्मा साउंड सर्विस कोसी कला से हूं। जी, तो बताएं, आज जो ये पंचायत हुई है, कहां के व्यक्ति हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? इसमें पलवल के भी हैं, होडल के भी हैं, कोसी के हैं, छाता के हैं, मथुरा, शेरगढ़, चौमा, नंदगांव, बरसाना, इतने एरिया के हैं। और जैसे सूचना मिल रही है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक साथ ऐसे आ नहीं सकते ना। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? इसमें निर्णय ये लिया गया है कि जो डीजे बंद कराए हैं सरदारी ने, उस पे किस वजह से कराएं वो भी ये संज्ञान में डालें कि ज्यादा आवाज की वजह से थे, ज्यादा बेस की वजह से थे, उसकी वजह भी तो वो बताएं। फिर बच्चे को भी जब पीटा जाता है तो उससे ये बताया था, बेटा इस वजह से मार खाए जा रहे हो, हमारे डीजे जो बंद किए उसमें वो कारण तो बताएं। उस पे फिर हमसे पूछा जाए, हमारी भी तो कोई अहमियत है भाई, हम उनके बच्चे हैं सरदारों के, लेकिन हमारी भी तो कोई वैल्यू है, हम बच्चे हैं तो वैल्यू तो है ना। वो कारण बताएं कि भाई इस वजह से यूं बंद किया जा रहा है। जो कोकलापन में पंचायत हुई थी उसमें आपको बुलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, बताना चाहिए था, उसमें नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, अब बता दे हमें तो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है भाई, इस पे ध्यान दो, हम ध्यान ना दे तो हमें दंडित करें, ऐसी बात थोड़ी है। जाति विशेष तो अभी जो निर्णय लिया गया था कि सामान नहीं देंगे, क्या कुछ निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया गया? ये सभी साउंड के जो यहाँ बैठे थे सभी ने निर्णय लिया है, अगर हमारे बारे में कोई बात नहीं सुनी जाती है तो आगे से कोई भी सामान कैसा भी साउंड संबंधित किराए पर नहीं दिया जाएगा। बताएं आज जो यहाँ कुछ व्यक्ति एकत्रित हुए, क्या कुछ मामला है? ऐसा है, हमारे 65 गांव की जो सरदारी इकट्ठी हुई कोकलावन में, उसके संबंध में जो डीजे प्लस ट्रैक्टर वगैरह के जो बॉक्स वगैरह, घर में बजाने वाले बॉक्स वगैरह के संबंध में ये सब लोग एकत्र हुए, इनकी जो रोजी रोटी आज जो छिनती दिख रही है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो और इनका काम भी चलता रहे। यदि डीजे जो ज्यादा हैवी प्रेशर के हैं उनको थोड़े हल्के प्रेशर में ले लिया जाए और बता दिया जाए, जिससे इनका काम चलता रहे। रोजी रोटी का मैटर सबका है और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सरदारी थे और जो भी कुछ इसमें विद्वान आदमी बैठे हुए थे, हमारे महाराज जी थे कोकलावन में अध्यक्ष, सबके आगे ये बातचीत हुई है, हम तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इनके रोजी रोटी बनी रहे। महापंचायत में निर्णय हो चुका है, पूर्णतः प्रतिबंध है, फिर आप ऐसे में क्या करेंगे? आप रोजी रोटी के लाले करेंगे तो ये तो रोजी रोटी का लाला बनी रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबके लिए कि किसी का नुकसान भी ना हो, रोजी रोटी किसी की छिननी नहीं चाहिए और हम तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में जो पंचायत हुई का है, हम तो उनके पास में जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पहले थे रक्षक रहे हैं और हमेशा के रक्षा करते रहे हैं। क्या होना चाहिए फिर इसमें? ये की बात है, कोई ना कोई उपाय ऐसा नया निकल करके आए जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे। वो जो उनका नारा है वो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ होगा तभी तो विकास होगा। ये मंत्री जी ने पूर्ण रूप से बंद किया है और आप पूरे छाता तहसील के जितने भी साउंड वाले एकत्रित हुए क्या कहेंगे? देखो यही बात कहते हैं जो हमारे गुरु जी ने बोला है, गणमान्य व्यक्ति है हमारे, तो हम यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो ये नारा है हमारे बीजेपी वालों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि सबका साथ सबका विकास, विकास के तौर पर सबका आनंद आएगा, फुलवारी खिलेगी और यदि विकास नहीं होता है तो मुरझाई आएगी, मुरझापन से देश का विकास नहीं होकर अंधकार आ जाएगा। देखो मंत्री जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो ये निर्णय लिया गया क्या कुछ है निर्णय आप लोगों ने लिया है? देखो हमारा विचार ये है, ये निर्णय सब जितने बच्चे हैं, हम लोग भी, हम भी बच्चे हैं गुरुजी के सामने, भाई हमारा क्या है, हमारे पीछे कोई 9,200 रोज का खर्चा है दवाई का, वो कहाँ से आएगा?
तो मेरे भाई का ब्लड कैंसर, मेरे घर वाले का ब्लड कैंसर है, मेरे भाई की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ब्लड फिंगर्स हुआ है, डायरिया हुआ है, कल भी अगला दिन ही उल्टी दस्त हुए, भाई गौशाला पार्क में प्रोग्राम था उसमें नहीं आया, आज भी उस भाई को मैं दवाई दबा के उसको जब बैठा के पंचायत में आया हूँ, जब पंचायत का विशेष मेरे पास आग्रह हुआ है, जब मजदूरी में आना पड़ा है, क्यों मेरे स्थान में दवाइयों का खर्चा विशेष है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो जो हमारा खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा, जब रोजगार करेंगे, जब रोजगार नहीं होंगे तो किसी भीख मांगे, वो भीख एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, तीसरी बार हमको लात मार भगा देगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि रोजगार सबको मिले, रोजगार लेने का अधिकार सबको है, छोटा है या बड़ा है, ऐसा रोजगार जिससे सभी को दिक्कतें हो रही हैं, काफी परेशानी आ रही थी डीजे को लेकर के, पंच देवताओं ने फैसला लिया है, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हम, एक सहमति से ये करना चाह रहे हैं उन गणमान्य व्यक्तियों से, उसमें कोई रास्ता निकाला जाए, बस लिमिटेड कर ले, हमारी जो कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे, जो बच्चे हैं हम भाई गणमान्य व्यक्ति है वो हमारे माँ बाप है, प्रभु का रूप है, पंच परमेश्वर जो होता है भगवान का रूप होता है, यदि हमने कोई गलती कर दी है तो उस गलती पर हमारा सुधार करें, ये कहते हैं बड़े क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद, तो यदि हम पे कोई गलती बन गई है तो बड़ों का काम है क्षमा करना, एक बार क्षमा करके दे उसे, हम सब लोग सहमति से अपना सब बच्चे जितने भी हम गुरु जी के सामने बच्चे ही हैं तो उसका हम ध्यान देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे जिससे हमारे सब बच्चों का खुशहाली रहे। तो जो नारा है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, जब भी होगा सब लोगों की खुशहाली आएगी। अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो अभी एक निर्णय लिया गया है, तो ये निर्णय हम ये चाहते हैं, हम नहीं हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे जो पाल हो रही है उसमें भी हम बात रखेंगे, और जो हमारे मंत्री जी आ रहे हैं उसमें भी हम बात रखेंगे, भाई हमारे सब लोगों की बातों की जो पीड़ा है हृदय की, जो रात को भी नींद आ रही, डिप्रेशन पड़े हुए हैं, तो ये सब लोग क्या है एक दिन डिप्रेशन आने में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी, एक का प्रोग्राम चल रहा है दूसरा घर बैठा है, भाई हवाल मान चलो किसी का प्रोग्राम मेरा चल रहा है और एक दूसरा वाला देख रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, तो डिप्रेशन में नहीं लाना है, सबको खुश रखना है, ये हमारा विचार है, क्यों हमारे गुरुजी ने जो बोला, जैसे कि नहीं मानते हैं तो सब मानेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है, हड़ताल ना मंत्री जी, हम ना मंत्री जी दुकानदार हैं, हम किसी को सामान बिल्कुल नहीं देंगे, ये निर्णय लिया है हम अपनी दुकान का ताला डाल करके पंचायत में जो निर्णय लिया गया था उसके नियम और कानून लागू हो गए हैं, आप क्या नियम कानून बनाना चाह रहे हैं? मतलब एक का तो बड़ा काम चल रहा है, जो छोटे मरम्मत कर रहे हैं दुकानदार, मतलब ये बॉक्स छोटे छोटे जा रहे का है, हमने ये सुना है कि जो ट्रैक्टर फैक्टर पे भी मामला बंद कराने की बात आई है, तो हमारा कहने का तात्पर्य है ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सबकी एक राय, एक का काम चले, और कल के रावत पाल में जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है, और उनके सेट बंद है रहे, उनके सेट चल रहे, पंचायत तो जो हुई है डीजे को ना लेकर के शराब को लेकर के भी हुई है, और हुड़दंगियों पर शिकंजा कसने के लिए कही की गई है ये पंचायत, हाँ वो सही है, वो होने चाहिए, उस चीज पे हम सहमत है, उसमें हम सहमत है, उस चीज पे हम सहमत है, रोजी रोटी का जो सवाल है इस पर हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसमें दोबारा ध्यान दिया जाए और किसी की रोजी रोटी बंद ना हो। अच्छा जैसे कि अभी निर्णय लिया गया है कि पंचायत होने के बाद में कि सामान किसी को नहीं दिया जाए, क्या क्या सामान नहीं दिया जाए, क्या कुछ निर्णय? अगर इन्होंने जैसे हमारे डीजे संबंध में अगर थोड़ा कुछ संशोधन कर दिया ठीक है, मान जाएंगे उनकी बात को, नहीं मान पाएंगे तो हम अपना लोन जो हमने ले रखा है दुकान पर हम उसको कहां से चुका पाएंगे, फिर तो हम इससे तो दुकान बंद कर देंगे, कोई फिर और सिस्टम देंगे, कोई धकेल लगा या और भी कुछ काम करें, फिर पूरी सब दुकानों को बंद कर देंगे, सब हमारा स्टाफ लेके रहा है, फिर सब लोग माइक का हमारे यहाँ जी छाता मथुरा गोवर्धन और तरौली अकबरपुर नौ जिले से सभी यहाँ के कोशिकला छाता नंदगांव होटल वाले होटल कुछ हरियाणा से भी है, यानी सब लोग यूनियन कर रहे हैं, यानी कि मेन बात ये सबका ही बंद रहा है, इससे लेकर सबका रोजगार छिन रहा है, कि जिससे फिर हमारे इसमें छोटे से लेकर बड़े तक का सबका रिश्ता चल रहा है, तो फिर हम पूरा सिस्टम ही बंद रखेंगे, फिर कहीं लगेगा ही नहीं, कितने लोगों पर असर होगा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर